महात्मा फुले मार्केट स्थित आलू प्याज की कई दुकानें हैं जिन्हें मनपा धंतोली जोन के बाजार विभाग द्वारा मनपा आयुक्त के आदेश मिलते ही 24 दुकानों का अवैध अतिक्रमण तोड़ा गया है और कार्रवाई की जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर दुकानदार इस कार्रवाई का तीव्र विरोध कर रहे थे। आखिरकार मनपा ने अतिक्रमण की कार्रवाई की। यूं तो नागपुर शहर में कई ऐसे मार्केट है जिन मार्केटों में लोगों को खान पान आदि चीजें मिलती है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं कॉटन मार्केट स्थित आने वाले महात्मा फुले मार्केट के उस मंडी का, जहाँ पे प्रतिदिन लोग यहाँ पे सब्जी खरीदने के लिए आते जाते रहते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन जारी हुआ लोग अपने घरों में ही हैं। ऐसे में लोगों को अब सब्जी कॉटन मार्केट के इस एरिया से कतई मिल नहीं रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ पर कई आलू और प्याज की ऐसे दुकानें हैं जो आलू प्याज बेचकर अपना गुजर बसर करते हुए दिखाई देते हैं। महात्मा फुले मार्केट स्थित इस आलू प्याज की दुकानों में दुकानदारों ने कई दिनों से अतिक्रमण किया है। ऐसा अंदेशा मनपा के अतिक्रमण विभाग को होते ही नागपुर के मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे इन्होंने आदेश देकर धंतोली के बाजार विभाग द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, जिसमें 24 दुकानों का अतिक्रमण निकाला गया। दुकानदारों का अतिक्रमण निकालते ही परिसर में खलबली सी मच गई और तमाम दुकानदार वहां पर आ पहुंचे। अतिक्रमण कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के साथ पुलिस का दल बल दिखाई दिया। एक तरफ पुलिस का दल बल और अतिक्रमणकारी दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी ओर तमाम दुकानदार भी इस कार्रवाई को रोकने के लिए दिखाई दे रहे थे। दुकानदारों का ये कहना था कि ये कार्रवाई पूरी तरह से उल्लंघन करने वाली है, क्योंकि लॉकडाउन जारी है, लॉकडाउन में यह काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि लॉकडाउन होने से पहले ही दुकानदारों पे भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। ऐसे में मनपा प्रशासन द्वारा, अतिक्रमण विभाग द्वारा ये किया जा रहा है काम, ये पूरी तरह से गलत है। तो वही धंतोली के बाजार विभाग के श्रीकांत वैद्य इन्होंने इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए दुकानदारों द्वारा जो अतिक्रमण किया गया था उसे तोड़ने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है, ऐसा उन्होंने कहा। इस समय में सैकड़ों लोग इस परिसर में मौजूद थे। इस बारे में बाजार विभाग के अधिकारी श्रीकांत वैद्य इन्होंने बातचीत की। मनपा के बाजार विभाग द्वारा इस कार्रवाई का समर्थन करने की बात करते हुए अधिकारी ने 24 दुकानदारों के अतिक्रमण को तोड़ने की बात कही, तो वहीं इस अतिक्रमण पूरी तरह से गलत होने की जानकारी यहां के कुछ दुकानदारों ने दी। माननीय आयुक्त साहेबांचा दौरा झाला सकाळी इथे, इथे सज्ज असल्यामुळे की इथे ते जे समोर वाढीव केलं होतं, वाढीव म्हणजे शेड, के दुकानाला आम्ही अतिक्रमण करून तोडले नाही आहे। ज्यांनी शेड काढले त्या समोर केलेले आहेत किंवा ते पाल बांधलेले आहेत, त्यांना ते रस्ता सुरू जावा, बाजार सुरूची जावा म्हणून ते अतिक्रमण त्यांना काढलं। यापूर्वी त्यांना मी प्रत्येकाला सांगितलं आहे की वेळ दिली की जितके जितके आहे ते त्यांना असं सर्वांना सांगून आपण सर्वांना सांगितलं की हे सर्व जे शामून शेड घातले ते आपण स्वतः काढून घ्या, आम्ही तोडणार नाही, आपण स्वतःहून ते काढत आहे। सर्वांना आधीच आहे की अतिक्रमण असेल तर काढायचीच आहे म्हणून, पूर्ण सर्व हायकोर्ट आहे, डायरेक्शन आहे, सर्वच आहे ना, उच्च न्यायालयाची आहे। हे इथून इथे दिखलं ना, आता किती झाले तर आपले हे दुकानं 24 दुकानं आहेत। वास्तविक अगर देखा जाए तो इस वक्त में भी लॉकडाउन के वक्त में अगर समझ लो ये जो अतिक्रमण कार्रवाई करना ये नियम के अनुसार मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि चालू मार्केट में वैसे भी आज शुक्रवार को मार्केट बंद रहता है, इसके पहले भी अतिक्रमण कार्रवाइयाँ कई बार हुई है, यानी कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी है उनको गलत जानकारी मिलती है और गलत जानकारी के वजह से अचानक ये आ जाते हैं और समझ लो हमला किए जैसे तोड़ ताड़ के चले जाते हैं। सरकारी कर्मचारी है, गवर्नमेंट के पब्लिक से रिलेटेड महानगर पालिका है, पब्लिक को जहाँ तकलीफ होती है वहाँ पर वो शिकायतें जाती है, शिकायत जाने के बाद में वो पब्लिक को राहत देने के लिए ये कार्रवाई की जाती है। अभी आज के पोजीशन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी कि जो अतिक्रमण कार्रवाई यहाँ होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन होने के वजह से यहाँ पर वैसे ही लोगों के रोजी रोजगार वगैरह सब खत्म हो गए, रोजी रोजगार खत्म है, लोगों को आप रिलीफ देने के लिए हो कि लोगों को तकलीफ देने के लिए हो, ये हमको सवाल आता है। नहीं, नोटिस, ये किराएदार है ना, नागपुर महानगर पालिका के किराएदार है, और वैसे भी अगर किसी के मकान में हम अगर किराएदार रहते हैं तो बगैर उसको नोटिस दिए, बगैर कायदे से समझ लो उसको इतला दिए हुए उसको अगर निकाला जाता है तो वो निकालने वाला दोषी ठहरता है। तो ये तो ऑलरेडी किराएदार है, नागपुर को महीने का, नागपुर महानगर पालिका को महीने का किराया देते, किराया देने के बाद में समझ लो कि इनका समन्वय है,
और ये किसके लिए बनाया गया है? शहर के पब्लिक के लिए बनाया, मार्केट पब्लिक के लिए बनाया है। तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं, एक दूसरे को समझना चाहिए और हमारी जो समस्या है वो वरिष्ठ लोगों ने समझ लेना चाहिए। बेचारे ये कर्मचारी है, धूप में काम कर रहे, इनको जो आदेश रहेंगे वो ये करेंगे, इनको हम कुछ भी नहीं बोल सकते ना। अब पहले हमारी दुकान वगैरह थी तो हमने जैसा कि अतिक्रमण कार्रवाई हाईकोर्ट का डिसीजन है करके हमारे सामान उठा के लेके जाते थे, जब्ती में डालते थे आधा, वो बेचारे कर्मचारी अपने घर में लेके जाते थे, कुछ वापस मिलता था नहीं मिलता था। लेकिन हमको ये ध्यान में आ गया कि भैया हमको हमारा जो संविधान है वो सबका विचार करता है और संविधान में ये है कि तुम अगर किसी को रोजगार नहीं दे सकते तो रोजगार छीनने का भी अधिकार नहीं है। तो हमारे यहाँ रोजगार जब छीन रहे हैं तो हमने ये बोले कि हमने हाईकोर्ट के ऊपर मोर्चा लगाया था, तो कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे हाईकोर्ट के ऊपर मोर्चा नहीं लगा सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। अरे लेकिन हमको रोजगार दिए ही नहीं, और रोजगार न देने के बाद में हमको हमारा अगर रोजगार अगर छीना जा रहा है ये ऊपर हमारे ऊपर अन्याय। पहले हमको हमारी पर्यायी व्यवस्था, उस वक्त हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि इनकी पर्यायी व्यवस्था किए बगैर इनको हटाया नहीं जा, तो ऐसे में 5-7 साल निकल गए और वो हाकर्स नीति बनी, हाकर झोन बने, लेकिन हाकर झोन कहाँ गायब हो गए। यहाँ पर पूंजीपति लोग और सरकार में बैठे बड़े उद्योगपति, यानी उद्योगपति और सरकार में बैठे बड़े अधिकारी लोग, इनके साठगांठ के वजह से सर्वसाम्य लोगों के तरफ ध्यान नहीं दिया। अतिक्रमण कार्रवाई का समर्थन तो बिल्कुल करना गैरकानूनी ही है, लेकिन अतिक्रमण कार्रवाई करते वक्त जो रियलिटी है उसको भी ध्यान में लेना चाहिए वरिष्ठ अधिकारियों ने। ये नहीं कि हमारे केबिन में बैठ के कोई भी डिसीजन, तो पब्लिक और ऑफिसर ये कोऑर्डिनेशन व्यवस्थित होना चाहिए, कायदे का भी पालन होना चाहिए। जैसा अभी लॉकडाउन था, अतिक्रमण करता है तो वो गलत ही है, लेकिन अभी जैसा लॉकडाउन पीरियड है, लॉकडाउन में सब अपने अपने अव्यवस्था और व्यवस्था में लगे, ऐसे परिस्थिति में कैसा किसी को सूचना देंगे, कैसा कोई अपना अतिक्रमण खुद होके निकालेगा, फिर जबरदस्ती करना पड़ेगा, यानी संघर्ष आ गया। तो पब्लिक और प्रशासन इनका समन्वय मजबूत अगर रहा तो कौन सी भी अगर समस्या आती है तो वो सॉल्व की जा सकती है। तो वरिष्ठ अधिकारियों को हम नागरिकों के प्रतिनिधि करके इतना ही आह्वान करेंगे कि कुछ भी कार्रवाई करने से पहले, जैसा अभी कुछ दिनों पहले यहाँ कवन्ना मार्केट बंद था तो वहाँ के पूरे व्यापारी यहाँ आ गए, कमिश्नर साहब का दौरा था, दौरे में उनको दिखा कि यहाँ तो बहुत लश्कर तौबा है, एकदम लोगों की भीड़ क्राउड है और क्राउड से प्रचार प्रसार हो सकता है कोरोना का, तो उन्होंने खट के साथ आदेश दे दिया कि कॉटन मार्केट बंद। फिर कॉटन मार्केट बंद के बाद ये लोग इधर उधर जो 12 स्पॉट दिए है, 12, तो ये लोग एडजस्ट भी नहीं हुए, ऐसे परिस्थिति में ये अतिक्रमण। तो नागरिकों को समझ के, आखिर यहाँ के जो दुकानदार है वो यही के नागरिक है और उनको रोजगार देना ये शासन प्रशासन का कर्तव्य है, तो उस हिसाब से किसी के भी ऊपर अन्याय ना हो ये बात ध्यान में रख के प्रशासन ने कार्रवाई करना चाहिए। नहीं, हम आज लॉकडाउन में जिस प्रकार की कार्रवाई, इनको नोटिस तोंडी जो भी अधिकारी होंगे, तोंडी नोटिस, मौखिक नोटिस जिनको दिया है वो दिया है, लेखी नोटिस नहीं है। और जो भी वरिष्ठ अधिकारियों ने ये पिक्चर देखा कि अतिक्रमण है और तोड़ डालो, तो ऐसा करने से पहले अगर दुकानदारों को विश्वास में लेके अगर ये कार्रवाई की रहती तो दैट इज द मोर बेटर फॉर द प्रशासन ऑल्सो एंड फॉर द पब्लिक ऑल्सो, बस यही हमारा बोलना है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से महात्मा फुले का यह आलूकन्ना मार्केट है, जहाँ पे धंतोली जोन की ओर से और मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे के आदेश के ऊपर में ये लोगों का अतिक्रमण तोड़ा गया। इन लोगों का हिसाब करना था कि लॉकडाउन के चलते इस प्रकार की कार्यवाही नहीं होना था, मगर कार्यवाही जो की गई पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से की गई है, ऐसे दुकानदारों का कहना है। तो वही बाजार विभाग के हम यहाँ के जो अधिकारी है वैद्य, उनसे जब बात किया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में हमने भी इन्हें 2-3 दिन पहले अवगत कराया था कि इस प्रकार का अतिक्रमण आप निकाल लीजिए। अब देखना यह होगा कि बाजार विभाग अपनी ओर से अलग बात करता है और यहां के दुकानदार अपनी ओर से अलग बात करते हैं, सच्चाई किसमें यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि कोरोना वायरस को लेकर पूरा शहर लॉकडाउन नजर आ रहा है। महात्मा फुले मार्केट से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय मीरे, NBCN न्यूज नागपुर।